I hate violence, man. I hate. Hello guys, how are you? My name is Fawad. First of all, I would like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. अगर मुझसे कोई पूछे ना कि recent time में कौन से ऐसे videos हैं जिस पर मुझे react करने में मज़ा आ रहा है, तो मेरा simple all straight answer होगा अल्लू अर्जुन के videos. चाहे वो songs हों, action scenes हों, trailers हों, कुछ भी हो भाई, भाई एक enthusiasm बढ़ा देता है, एक energy level बढ़ा देता है और मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं enjoy कर रहा होता हूँ reaction videos बनाते हुए. तो आप लोग मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद कर रहे हैं अल्लू अर्जुन के ऊपर, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने अल्लू अर्जुन के रिएक्शन वीडियोस की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और मैं कमेंट्स में भी उसको पिन कर दूंगा, तो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखे हैं लेकिन इस वीडियो के बाद. तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस रिकमेंड कर रहे हैं कि अल्लू अर्जुन का ये वीडियो देखो, आप अमेज़ हो जाओगे, अल्लू अर्जुन का ये एक्शन सीन देखो अमेज़ हो जाओगे, यानी कि तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं. बनता भी है क्योंकि जितना मैं अल्लू अर्जुन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट उसकी पर्सनैलिटी में, उसके करियर में बढ़ता जा रहा है. तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप मुझे वीडियोज़ रिकमेंड कर रहे हो. तो मैंने एक स्प्रेडशीट बना दी है एक्सेल के अंदर, वो लिस्ट बड़ी हो गई है. तो जितने लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे रिक्वेस्ट भेजी है वो प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हैं. तो आज मैं आपके लिए एक और अल्लू अर्जुन का वीडियो लेकर आया हूँ जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ. वेल, मैं तो नहीं लेकर आया, आप ही लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है. यह है पुलिस फाइट सीन और फिल्म का टाइटल है ना पेरू सूर्या ना इल्लू. आई होप कि मैंने नाम सही लिया है. तो बिना कोई टाइम जाए कि ये पुलिस फाइट सीन देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये सीन देखोगे. चलो भाई अपने रोंगटे खड़े करवाते हैं. थोड़ा रॉन्ग हो गया ये. स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन. अच्छा, मैं आपको एक अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि ये हिंदी डब्ड है और मेरे ख्याल में कोई पायरेटेड वर्जन है, या हो सकता है कि कॉपीराइट से बचने के लिए थोड़ी वॉइस इसकी दबा दी गई है. मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा एडिटिंग के दौरान मॉडिफाई करने के लिए, देखते हैं कैसा जाता है. क्यों मारा? सुनाई नहीं दिया? क्यों मारा उन्हें? अच्छा, क्या ये इंडिया में भी होता है कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन? हमारे पाकिस्तानी में तो होता है कि हाँ भाई तू सिंधी है, तू पंजाबी है, तू बलोची है, तू पठान है. इंडिया में भी होता है ये? वैसे कास्ट सिस्टम तो है मगर रीजन के नाम पर या स्टेट के ऊपर भी ये सारे चक्कर होते हैं कि नहीं होते हैं? मुझे कंफर्म करके बताइएगा. साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, हमारे यहाँ इतने. दैट वाज इट. ये क्या था? ओ यार, जैसे ही रहते हैं. अच्छा, इस तरह के सीन्स ना आपको मेजॉरिटी ऑफ एक्शन मूवीज़ में नज़र आएंगे कि एंड में कोई इस तरह का होता है, भंड करता है और उसको ठीक ठाक सोचाई होती है. ये सीन में दोबारा इसलिए देख रहा हूँ कि जो लेग ब्रेक की है ना, अरे भैया से लग रहा है कि प्लास्टिक का डड़ मोड़ दिया. मैन, इसको देख के मुझे दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में टिंगलिंग हो रही है यार. अरे बाप रे, धाजू जिंदा, वाकई रोंगटे खड़े कर दिए उसने मेरे तो. और इतना ख़तरनाक सीन कि हड्डी पसली सब कुछ ही तोड़ दिया, इस तरह से बाजू तोड़ रहा था, टांगे तोड़ रहा था कि लकड़ी की है भैया. लेकिन बाद में इंस्पेक्टर की टांगे वांगे नहीं तोड़ी यार, उसको छोड़ दिया ऐसे ही हाथ वाथ रख के. हाँ, शुरू में उसका हाथ मोड़ ओढ़ दिया था लेकिन जिस तरह से ये हड्डियाँ तोड़ रहा था ना, बॉडी में मेरी टिंगलिंग हो रही थी भाई. मैं तो
वायलेंस से बहुत दूर भागता हूँ। अभी बोलोगे मैं पाकिस्तानी हो गया तो वायलेंस से दूर भागता है। हमने वायलेंस बहुत देखा है ना ज़िंदगी में यार, इस वजह से एक दिमाग में बैठा हुआ है कि तकलीफ़ होती है, क्योंकि सही भी है, इस वजह से बता रहा हूँ। बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। लेकिन यार ये सीन बहुत ज़बरदस्त था, इंट्रोडक्टरी सीन था इस फिल्म का ये। और मेरे ख्याल में ये जो मैं सीन देख रहा हूँ ना, ये कोई पायरेटेड वर्जन है जिसमें सिनेमा में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सिनेमा की बनी हुई मूवी है, तो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और अपने हीरो को स्क्रीन पर देख के खुशियाँ मना रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं। तो जैसे ही अल्लू अर्जुन की प्रेजेंस होती है स्क्रीन के ऊपर, लोग खुश हो जाते हैं। तो यही मज़ा है, जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं या मूवीज़ होती हैं, उनको बड़े पर्दे पर देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये फिल्म मैं लाजमी देखूंगा भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया इंट्रोडक्टरी सीन में। आगे जाके कितना कमाल करने वाली है, वाह क्या ही बात है। ज़बरदस्त, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आया, थॉरली एंजॉयड, फुल टाइम पैसा वसूल इंटरटेनमेंट है। पैसे क्या वसूल होने, अब देखते हैं कि इसके ऊपर कॉपीराइट ना आ जाए, बस सिर्फ यही चाहता हूँ कि क्लेम ना लग जाए, थोड़े से हम भी कमा लें ऐड के ऊपर, है क्या नहीं। दैट्स इट गाइज, अगर आपको ये एक्शन सीन अच्छा लगे तो मुझे बताइए, इसी तरह के और सीन भी हैं तो मुझे रिकमेंड कीजिए, और मेरा अगर रिएक्शन आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।